सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए, और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। पीएम आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बुधवार को आखिरकार मुलाकात हुई। यह मुलाकात करीब 1 घंटे लंबी चली। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकरे के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बाला साहेब ठाकरे और मुख्य सचिव सीताराम कुंटे भी उपस्थित थे। राज्यपाल कोश्यारी और मुख्यमंत्री ठाकरे के बीच विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति को लेकर टकराव चल रहा है। यह मामला मुंबई हाईकोर्ट में जाने पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने साफ शब्दों में राज्यपाल को अपना संवैधानिक कर्तव्य जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने कुल 12 लोगों को विधान परिषद सदस्य बनाने की लिखित सिफारिश राज्यपाल कोश्यारी से की है। इसमें शिवसेना के कोटे से अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, नितिन बांगुड़े पाटिल, विजय करंजकर और चंद्रकांत रघुवंशी के नाम की सिफारिश की गई है। इसी प्रकार कांग्रेस के कोटे से प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत, रजनी पाटिल, मुजफ्फर हुसैन व अनिरुद्ध वनकर के नाम की, और रक्कम के कोटे से पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से, किसान नेता राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे और आनंद शिंदे को विधान परिषद सदस्य बनाने की सिफारिश की गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात के बाद बताया कि हमें आज 1 सितंबर को मुलाकात का वक्त राज्यपाल की ओर से दिया गया था, जिसकी वजह से पूर्व नियोजित समय से यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य में जो कुछ भी चल रहा है उसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में मानसून की वजह से निर्माण हुई परिस्थिति और बांधों में पानी की जानकारी राज्यपाल को दी गई। इसके साथ ही 12 विधान परिषदों सदस्यों की नियुक्ति पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का भी निवेदन किया गया। DRB न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।